हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इख्तदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश निहायत ही मुश्किल हालात में हुई, और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए एमएलए हॉस्टल में, बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद, हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गवाया दुनिया को यह बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहां फोटो खींचने के लिए कि देखो जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर हैं जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। हमारा मानना था कि अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हमारा ईमान सही रहा, अगर हमारी नजर अल्लाह ताला पर रही, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता दिखाएगा दोबारा जिंदा होने के लिए। फारूक साहब बार बार हमें कहते थे, मुझे, हमारे साथियों को, हमारे वर्करों को, कि रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा, हमें उस रास्ते पे चलना है। ये कल के इलेक्शन की कामयाबी, ये ना फारूक साहब की कामयाबी है, ना मेरी कामयाबी है, ना सागर साहब या नासिर या किसी और लीडर की कामयाबी है। ये इलेक्शन अगर कामयाबी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदने से अदने वर्कर की कामयाबी है, क्योंकि हम नहीं निकले वोट मांगने। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया। हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा, आप जाओ वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कोई मंशूर नहीं तैयार किया, हमने कोई पोस्टर नहीं बनाए, हमने रेडियो पे कोई इश्तेहार नहीं चलाए, हमने श्रीनगर के पार्क में बड़े बड़े जलसे नहीं रखे। हमने कहा अगर हमारा मिशन सही है, अगर जो हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है, अगर हमारा एजेंडा सही होगा, अगर हमारी बात सही है, तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ चलेंगे। और वाकई वही हुआ। मैं जानता हूं कि यह इलेक्शन हमारे साथियों के लिए आसान नहीं था लड़ना। हमने बहुत कुर्बानियां दी,
एक जमात की हैसियत इस अलायंस में इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे मालूम है कितने हमारे लीडरों को जहर का कतरा पीना पड़ा अलायंस के लिए सीट छोड़ने में। यह कोई पुरानी अलायंस नहीं थी, यह कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक रिश्ता नहीं था जहां हम कहते हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं। हमने उन लोगों के साथ मिलके इलेक्शन लड़ा जिनके खिलाफ पिछले साल तो हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। कोई भूल सकता है कि पिछले साल मार्च अप्रैल में हम सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पापड़ तोड़ हमले कर रहे थे, चाहे नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फारूक साहब को या मसूदी साहब को कामयाब कर। हालात ऐसे बने और इस रियासत के लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश रचाई गई तो हमारा फर्ज बना कि हम अपने उन दूरियों को एक तरफ रख के एक ही स्टेज पे आए और इस रियासत के तशक्कुस के लिए, इस रियासत की पहचान के लिए, इस रियासत की इज्जत को दोबारा बहाल करने के लिए हम लड़ें। मेरा पीपल्स अलायंस में कोई ओहदा नहीं है। मैं पीपल्स अलायंस की मीटिंग में अगर अलायंस के एजेंडा के लिए, इस अलायंस ने जो लोगों के साथ वादा किया है उसको हासिल करने के लिए आपको जो भी कुर्बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहिए होगी, आप बिना सोच के आगे जाके वादा करिए, हम आपके पीछे उस वादे को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं अब अपने तरफ से अपने कायदे मोहतरम जनाब फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए।